रविवार को रामघाट का परिसर राम राम जय राजा राम के उद्घोष से गूंज उठा। नमामि गंगे ने राम धुन पर राजा राम और माँ गंगा की आरती उतार के रामघाट पर मर्यादित पुरुषोत्तम राम का अभिनंदन किया। महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बच्चों के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने रामघाट के गंगा तट की सफाई की। वहीं रामघाट पर प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रामघाट के परिसर राम आएंगे राम आएंगे राम राम जय राजा राम आरती श्री रामायण जी की जैसे सुमधुर राम भजनों से गुंजा मन रहा। नमामि गंगा काशी क्षेत्र संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जितनी आस्था व भक्ति से जन जन ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और आस्था व्यक्त की है, उतने ही आस्था और संकल्प से अब हर व्यक्ति को श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। वहीं स्वयं को श्री राममय और प्रकृतिमय बनाना होगा। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। आज नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने महर्षि वेद विद्याश्रम के वेदपाठी बटकों के साथ यहाँ रामघाट के पवित्र परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया है। हमने रामघाट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाने का भी संदेश दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में जब गए तो उन्होंने पर्यावरण प्रेम की भी अलग जगाई, प्रकृति प्रेम से आत्मसात होने का भी हम लोगों को संदेश दिया है। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलकर उनके द्वारा बताए गए प्रकृति प्रेम के मार्ग पर चलकर देश और दुनिया में प्राकृतिक रूप से जो प्रदूषण उत्पन्न है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई सीख को हम शैक्षिक रूप से लें, क्योंकि पूरी दुनिया आज प्रदूषण और पर्यावरण असंरक्षण के जो रूप से कराह रही है, आज वास्तविक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को अपनाने का समय है, राममय होने का समय है, प्रकृतिमय होने का समय है, ताकि हम अपने पर्यावरण को इतना अच्छा बनाएं और रामचंद्र जी द्वारा दिए गए संदेश को, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को इतना आत्मसात करें कि हमारा भारतवर्ष आरोग्य हो, आत्मनिर्भर हो और हम प्रेम की गंगा बहाते चलें। आज रामघाट के इस परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की गंगा का अभिनंदन, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती उतार कर हमने किया है और यही संदेश देने का प्रयास है कि आइए मिलकर पर्यावरण संरक्षण का हम संकल्प लें और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के दिए गए जो मार्ग हैं उसको अनुपालन करने का भी हम संकल्प लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते।